Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button. Assalamualaikum नाज़रीन, Tag TV के पाकिस्तान स्टूडियो से मैं हूं रुखसार शहजाद। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। पाकिस्तान में मजबूत कोरोना वायरस के केसेस बढ़ने की शरह में इजाफा। गुज़िश्ता 24 घंटों में 10 अफराद कोरोना के बाइस जान से हाथों बैठे। मुल्क भर में मजमू केसेस की तादाद 3,25,480 हो गई। कोरोना वायरस में इजाफे का सिलसिला जारी। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर NOC ने सूबों को एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल दरामद के अहकाम जारी कर दिए। स्मार्ट लॉकडाउन का खदशा भी जाहिर कर दिया। सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई, बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम। बड़ी मकदार में धमाका खेज मवाद बरामद हुआ। दहशतगर्दी में इस्तेमाल होने वाला सामान मुमकिन तौर पर हाल ही में अफगानिस्तान से लाया गया। कायमा कमेटी कानून इंसाफ ने कुलभूषण को अपील का हक देने का बिल मंजूर कर लिया। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और JUI के बिल की मुखालफत। बिल के हक में 8 जबकि मुखालफत में 5 वोट आए। वजीर कानून फरोग नसीम कहते हैं कुलभूषण के मामले पर सियासत नहीं करनी चाहिए। IG सिंह को अगवा किया गया तो FIR दर्ज क्यों नहीं कराई। शहजाद अकबर का कहना है कि बिलावल भुट्टो जरदारी और मरियम नवाज मिलकर खेल खेल रहे हैं। कराची में चंद रोज पहले मजार कायद पर हुल्लड़बाजी और नारेबाजी हुई। इस हवाले से तरीके इंसाफ ने दरख्वास्त दी। सिंध हुकूमत की नाइली को छुपाने की कोशिश की जा रही है। ग्रीनिश हैंड सैनिटाइजर ना ऑयली ना स्टिकी ना बदबू और मुकम्मल अब्सॉर्प्शन और हाथ नर्म, मुलायम और साफ। आज ही अपनी करीबी फार्मेसी से खरीदें या हमारी वेबसाइट पर ऑर्डर करें www.greenish.com। कनाडा में आपके पास डॉक्टर और लॉयर होना बहुत जरूरी है। हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसा नाम जो है रिलायबल, ट्रस्टवर्दी एंड ऑनेस्ट। लॉ फर्म ऑफ शिखा शारदा, 905-956-6699। फॉर फैमिली लॉ, रियल एस्टेट, विल्स और किसी भी तरह के एफिडेविट या पैरा लीगल प्रॉब्लम्स के लिए लॉ फर्म ऑफ शिखा शारदा, 905-956-6699। पहली कंसल्टेशन बिल्कुल फ्री है। कॉल लॉयर शिखा शारदा, 905-956-6699। NCOC के मुताबिक मुल्क भर में कोरोना वायरस के फाल केसेस की तादाद 9,642 हो गई, जबकि अब तक कोरोना वायरस में मुब्तला 3,09,136 मरीज सेहतियाब हो चुके हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 10 अमवात रिपोर्ट हुई, जिसके बाद मजमूई अमवात की तादाद 6,702 हो गई। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। मुल्क भर में कोरोना वायरस के फाल केसेस की तादाद बढ़कर 9,642 हो गई, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटों में 10 अफराद कोरोना के बाइस जान से हाथ धो बैठे। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा आदादोशुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 736 नए केसेस रिपोर्ट हुए, जिसके बाद मुल्क भर में मजमू केसेस की तादाद 3,25,480 हो गई। NCOC के मुताबिक फाल केसेस की तादाद 9,642 हो गई, जबकि अब तक कोरोना वायरस में मुब्तला 3,09,136 मरीज सेहतियाब हो चुके हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 10 अमवात रिपोर्ट हुई, जिसके बाद मजमूई अमवात की तादाद 6,702 हो गई। सिंध में मरीजों की तादाद 1,42,641, पंजाब में 1,02,107, खैबर पख्तूनख्वा 38,810, इस्लामाबाद 18,438, बलूचिस्तान में 15,738, आज़ाद कश्मीर 3,639 और गिलगित बल्तिस्तान में 4,107 तादाद हो गई। कोरोना वायरस के मरीजों में इजाफे के बाद नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर NCOC ने सूबों को एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल दरामद के अहकाम जारी कर दिए। NCOC हुकाम के मुताबिक मार्केटों, शादी हॉल्स, पब्लिक ट्रांसपोर्ट वगैरह में SOPs पर अमल ना होने के सबब केसेस में इजाफे की सूरत में लॉकडाउन किया जा सकता है। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। कोरोना वायरस के मरीजों में इजाफे के बाद नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने सूबों को एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल दरामद के अहकाम जारी कर दिए। इस्लामाबाद में NCOC के इजलास में मुल्क भर में कोरोना वायरस केसेस में इजाफे पर इजलास में चारों सूबों के चीफ सेक्रेटरीज को कोरोना वायरस SOPs पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाने के अहकाम जारी किए गए हैं।
NCOC हुकाम के मुताबिक मार्केटों, शादी हॉल्स, पब्लिक ट्रांसपोर्ट वगैरह में SOPs पर अमल न होने के सबब केसेस में इजाफे की सूरत में लॉकडाउन किया जा सकता है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर हुकाम के मुताबिक केसेस बढ़ने की सूरत में मुख्तलिफ शोबों को बंद भी किया जा सकता है। सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से बलोचिस्तान के इलाके कमरदीन कारी से धमाका खेज मवाद बरामद किया गया। कालादम तहरीक तालिबान ने धमाका खेज मवाद कोयटा और जोब में दहशतगर्दी में इस्तेमाल करना था। इस हवाले से मजीद जानते हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बलोचिस्तान में दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम बना दिया। फोर्सेस की कार्रवाई के दौरान बड़ी मकदार में धमाका खेज मवाद बरामद हुआ है। तफसीलात के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से बलोचिस्तान के इलाके कमरदीन कारेज में धमाका खेज मवाद बरामद किया गया। कलदम तहरीक तालिबान ने धमाका खेज मवाद कोयटा और रोब में दहशतगर्दी में इस्तेमाल करना था। धमाका खेज मवाद में 6 से 8 किलो के 8 बम बरामद किए गए। IEDs में तैयार होने वाला सामान से भरा थैला भी बरामद किया गया। थैले में रिमोट, डिटोनेटर्स, बॉल बेयरिंग, तारें और दीगर सामान शामिल था। दहशतगर्दी में इस्तेमाल होने वाला सामान मुमकिन तौर पर हाल ही में अफगानिस्तान से लाया गया। कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ ने कुलभूषण को अपील का हक देने से मुतालिक बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया, जबकि मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और JUI की बिल की मुखालफत। बिल के हक में 8 जबकि मुखालफत में 5 वोट आए। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए कानून इंसाफ ने कुलभूषण को अपील का हक देने से मुतालिक बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया। कायमा कमेटी बराए कानून इंसाफ ने कुलभूषण को अपील का हक देने से मुतालिक बिल कसरत राय से मंजूर किया, जबकि मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और JUI की बिल के मुखालफत। बिल के हक में 8 जबकि मुखालफत में 5 वोट आए। वजीर कानून फारूक नसीम कहते हैं कुलभूषण के मामले पर सियासत नहीं करनी चाहिए, ऑर्डिनेंस ना लाते तो पाकिस्तान पर तौहीन अदालत के जुर्म में पाबंदियां आयद हो सकती थीं। नैब तरमीमी बिल 2019 पर हुकूमत बैकफिट पर आ गई। वजीर कानून फारूक नसीम ने कहा कि वजीर आजम और काबीना से मजीद मशावरत करना चाहता हूँ। लीगी रुकन ख्वाजा साद रफीक बोले हुकूमती वजा ने अपोजिशन को नैब कानून साजी में धोखा दिया, अपना NRO अपने पास रखें, हमारा किसी नैब बिल से कोई ताल्लुक नहीं। स्पीकर कौमी असम्बली के हल्फ में तरमीम से मुतालिक मोहसिन शाहनवाज रांझा का बिल कमेटी ने मुस्तरद कर दिया। चेयरमैन रियाज फतियाना की जेर सदारत कौमी असम्बली की कायमा कमेटी कानून इंसाफ का इजलास हुआ, जिसमें कुलभूषण को अपील का हक देने से मुतालिक ऑर्डिनेंस, नैब तरमीमी बिल 2019 और जजेस की रिटायरमेंट से मुतालिक बिल समेत दीगर बिलों पर बहस हुई। शिबली फराज ने कहा है कि सिंध हुकूमत की नाअहली को छुपाने की कोशिश की जा रही है, हमें सब पता है आप क्या क्या करते हैं। रिपीट। शिबली फराज ने कहा कि सिंध हुकूमत की नाअहली को छुपाने की कोशिश की जा रही है, हमें सब पता है आप क्या क्या करते हैं। ये लोग अपनी करप्शन को छुपाने के लिए एक हुए हैं। इन्होंने मजार कायद की बेहरमती की। मजार कायद पर होने वाली हुल्लड़बाजी कानून की वाजिया खिलाफ वर्जी थी। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। मुशीर दाखिला एहतसाब शहजाद अकबर का कहना है कि IG सिंध को अगवा किया गया तो उन्होंने FIR दर्ज क्यों नहीं कराई। इस्लामाबाद में वफाकी वजीर इत्तला नशरिया शिबली फराज के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शहजाद अकबर ने कहा कि मुल्क अवाम की बदनामी के लिए सियासी सर्कस लगाया गया है। बिलावल भुट्टो जरदारी और मरियम नवाज मिलकर खेल खेल रहे हैं। कराची में चंद रोज पहले मजार कायद पर हुल्लड़बाजी और नारेबाजी हुई। इस हवाले से तहरीक इंसाफ ने बबांगे दहल दरख्वास्त दी। तहरीक इंसाफ का किरदार इस हद तक था कि हमने दरख्वास्त दी कि कार्रवाई की जाए, एक लम्हे के लिए भी हमने किसी से बात नहीं की। इस मौके पर शिबली फराज ने कहा कि सिंध हुकूमत की नाअहली को छुपाने की कोशिश की जा रही है, हमें सब पता है आप क्या क्या करते हैं। ये लोग अपनी करप्शन को छुपाने के लिए एक हुए हैं। उन्होंने मजार कायद की बेहरमती की। मजार कायद पर होने वाली हुल्लड़बाजी कानून की वाज़ह खिलाफ वर्जी थी। ज़ाती मफाद के लिए झूठ की सियासत की जा रही है। वजीर आला से नए असम्बली फ्लोर पर सफ़ेद झूठ बोला, जिसकी मज़म्मत करता हूँ। कैप्टन रिटायर्ड सफदर से कोई खींचातानी हुई भी है तो उसकी जिम्मेदार सिंध हुकूमत है। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी मगर इस ब्रेक के बाद। Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.